हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो में बात करते हैं सनी देवल की फिल्म गद्दर टू की जैसे कि आप लोग जानते हैं गद्दर फर्स्ट हो गया और गद्दर सेकेंड भी तो और गद्दर के थर्ड पार्ट भी आने वाली है दोस्तों गद्दर के सेकेंड पार्ट को देखने के लिए लगभग 22 साल के बाद ही हमें गद्दर का सेकेंड पार्ट देखने को मिला लेकिन गद्दर के थर्ड पार्ट के लिए इतना समय का इंतज़ार नहीं करना होगा सनी देवल एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि गदर के सेकेंड पार्ट के लिए उन्हें कुछ समस्या दिख रही थी और उन्हें कुछ प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रहा था गदर सेकेंड बनाने के लिए लेकिन वही बात करें गदर थ्री की तो सनी देवल ने इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि गदर थ्री के लिए वो क्लियर है और गदर थ्री मूवी में उन्हें किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है दोस्तों सनी देवल ने इस इंटरव्यू में ही बताया कि गदर टू के लिए उन्हें काफ़ी समय क्यों लगा क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत सी प्रॉब्लम थी प्रोड्यूसर्स की या राइटर्स की सही अच्छी कहानी स्टोरी नहीं मिलने के कारण भी ये इतना ज़्यादा इसमें लेट हो गया लेकिन सेकेंड थर्ड पार्ट के लिए इतना उन्हें इंतज़ार नहीं करना होगा क्योंकि प्रोड्यूसर और राइटर्स के लिए के पास भी इसके थर्ड पार्ट के लिए अच्छी स्टोरी है और वो भी प्रोड्यूसर्स भी रेडी हो जाएंगे गदर टू के इतना बड़ा सुपरहिट होने के बाद ऑडियंस के भी के दिमाग में भी काफ़ी सारी प्रश्न चल रहा है कि गदर थ्री कब रिलीज़ होगी और गदर थ्री में किस तरह के स्टोरी को दिखाया जाएगा इससे जुड़ी अभी तक कोई भी खबर गदर की टीम की तरफ से नहीं आया है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि गदर सीरीज़ को अनिल शर्मा ने ही आगे बढ़ाया है तो अनिल शर्मा ही इसके थर्ड पार्ट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनिल शर्मा ही होंगे और लीड रोल में सनी देवल को ही तारा सिंह के लुक में देखा जाएगा दोस्तों गदर की टीम की तरफ से गदर थ्री को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन हाँ सनी धवल के बयान आने के बाद से सनी धवल ने जिस प्रकार से बताया है कि गदर थ्री के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं है इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गदर थ्री के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा तो फाइनली गदर थ्री के लिए हमें थोड़ा समय इंतजार करना होगा और बाकी आप क्या सोचते हैं गदर थ्री को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट वीडियो को देखते रहें